हेलो एवरीवन, तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू बैम्बू कॉम्पोजिट। अभी रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान नो हाउ टेक्नोलॉजी में बताया गया अबाउट बैम्बू कॉम्पोजिट्स। बैम्बू कॉम्पोजिट्स की बात की जाए तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसे डेवलप किया जाता है बाई यूजिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक्स, जिसमें शामिल है प्रोसेसिंग बैम्बू, अ नेचुरल एंड वर्सेटाइल रिसोर्स। बैम्बू को डिक्लेयर किया गया है एज ग्रास, जो कि मेच्योर होती है लगभग 3 से 4 साल में, इसीलिए एक काफ़ी स्पीड में और काफ़ी सस्टेनेबल सोर्स बन सकती है हमारे लिए। इस टेक्नोलॉजी में हम जो है बैम्बू के पोल्स को कट करते हैं, उन्हें स्प्लिट करते हैं, उनकी नोट्स को हटाते हैं और उन्हें केमिकली ट्रीट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, एंड देन दे आर कन्वर्टेड इंटू फाइब्रस फोम और फाइनली कॉम्पोजिट मटेरियल बनता है बाय कॉम्पैक्शन अंडर हीट एंड प्रेशर। दीज कॉम्पोजिट रिजेंबल टीक वुड, ऑफरिंग ड्यूरेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस एंड अ नेचुरल अपेयरेंस। और इनका यूज़ जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस में हो सकता है, काफ़ी तरीके से हो सकता है, जिसमें शामिल है पैनल बोर्ड्स, बीम्स, पिलर्स, डोर्स एंड मोर। आगे बात की जाए इस टेक्नोलॉजी की, तो इसे डेवलप किया था CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें काफ़ी तरीके से बैम्बू को एक ऑप्टिमल स्ट्रेंथ और शेप दी जाती है। और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन एरोस्पेस। इसके अंदर पोटेंशियल है कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाएं जो कि सिमिलर हो वुड के, लेकिन जिनकी हार्वेस्ट साइकिल 10 टाइम्स फास्टर हो। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी ऐसे पोटेंशियल को अट्रैक्ट करती है जो कि आगे चलकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स में भी आगे जाकर इंक्रीज़ होगा, हेल्प करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में, जिसमें शामिल हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की है एक नई सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल विद इंटरमीडिएट रेंज, जो कि डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं वो लगभग एटलीस्ट Mach 5 की स्पीड से चलती हैं और काफ़ी हाईली मैन्यूवरेबल होती हैं और वे अपना जो है कोर्स चेंज कर सकती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट। जो ये मैन्यूवरेबिलिटी है हाइपरसोनिक मिसाइल की, ये अपने आप को अलग करती है बैलिस्टिक मिसाइल से, क्योंकि लेटर है वो एक सेट कोर्स को फॉलो करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, लेकिन ये अपने कोर्स को चेंज कर सकती है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो एक बैलिस्टिक की ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं कर सकती और बाद में भी अपने टारगेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकती है। साथ ही साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम अ सबमरीन एंड अ फ्रिगेट। इसके अंदर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, वेपन सिस्टम्स में हमारे पास 2 तरीके की सिस्टम्स हैं जिनमें शामिल हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। इनके बारे में बात की जाए तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं एक रॉकेट से, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करते हुए वापस आते हैं, दे प्लंजेस बैक इनटू इट। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ऐसे होते हैं जो कि पावर्ड होते हैं बाय हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन्स दैट कैन सस्टेन फ्लाइट ऑन इट्स ओन थ्रू द एटमॉस्फेयर लाइक अ क्रूज मिसाइल। और तीसरा फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जो कि मिसाइल कैन लॉन्च द ग्लाइड व्हीकल पार्शियली इनटू ऑर्बिट विच कुड स्ट्रिप एडवर्सरीज ऑफ रिएक्शन टाइम एंड ट्रेडिशनल डिफेंस मैकेनिज्म्स। एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये हमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव होने में हेल्प करता है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो ये टाइम क्रिटिकल थ्रेट्स होते हैं जैसे कि रोड मोबाइल मिसाइल्स है और वेन अदर फोर्सेज आर अनअवेलेबल, डिनाइड एक्सेस और नॉट प्रेफर्ड। साथ ही साथ कन्वेंशनल हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एनर्जी डिराइव फ्रॉम मोशन टू डिस्ट्रॉय अनहार्डन्ड टारगेट्स और इवन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेटेड टू राइट टू फूड। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि जो लोगों का राइट टू फूड है वो सपोर्ट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, जो कि माना जा रहा था कि इन्वायरमेंट के लिए डैमेज करते हैं, उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। राइट टू फूड एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है इन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ
और साथ ही साथ ये समय समय पर इवॉल्व हुआ है और अलग अलग स्टेट पार्टीज़ के लिए इसको रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ लोगों की नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। राइट टू फूड की बात की जाए तो ये एक इस तरीके का राइट है जो इम्प्लाई करता है कि एटलीस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल लेवल की लोगों को डाइट मिले, साथ ही साथ ऐसा क्वांटम ऑफ रिलीफ मिले जो कि परेशानी में है उनको उस लेवल का खाना मिले कि वो सिक्योरली अपनी लाइफ को जी पाए और सिर्फ ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना हो। ऑल्सो इट इज़ इनहेरेंट टू अ लाइफ विद डिग्निटी अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की जाए तो हम रेफरेंस ले सकते हैं आर्टिकल 21 का जो कि एक फंडामेंटल राइट है टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 39A जो कहता है स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है DPSP। एंड आर्टिकल 47 जो कहता है स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बात की जाए तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्लान किया है कि जो एंटायर हिलॉक है ऑफ अलमपडी, मिलावलाई और सेथावराई उसको एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। ये तीनों जो साइट है ये लोकेटेड है इन विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। मिलावलाई की बात की जाए तो नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज जिसमें जो पेंटिंग्स मिली हैं वो लगभग 3000 BC से भी पुरानी मानी जा रही हैं और मेजॉरिटी जो पेंटिंग्स हैं वो रेड ओकरे के रूप में ही पाई गई हैं। आगे बात की जाए बफेलो फाइट दैट इज मोहजूज। असम गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को वापस रिवाइव किया है अपना ट्रेडिशनल बफेलो फाइट मोहजूज जो कि 9 साल पहले इसे रोक दिया गया था फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स बैन ऑन तमिलनाडुज जलीकट्टू एंड बोलो कार्ट रेसिस इन महाराष्ट्र। मोहजूज की बात की जाए तो इसे इंट्रोड्यूस किया था आसामीज कल्चर में बाय 30th अहोम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंह नियरली 200 ईयर्स अगो। इसके अलावा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था एलिफेंट फाइट्स को, बर्ड फाइट्स को अपने समय पर, और ये सभी माने जाते थे कि ऐसे इवेंट्स हैं जो कि लोगों को साथ में लेकर आते हैं, सोसाइटी को इकट्ठा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आउटलॉ किया जलीकट्टू और बुलो कार्ट रेसिस को तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। लेटर दिस स्टेड अ 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू परमिट द ट्रेडिशनल बुल फाइट्स, लेकिन इनमें लास्ट ईयर अ 5-judge बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट्स मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू द प्रिवेंशन क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड अलाउड बुल टेमिंग स्पोर्ट्स लाइक जलीकट्टू, कंबला एंड बुलो कार्ट रेसिस। आर्टिकल है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है इसे फॉर MP-LED स्कीम फॉर रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द MP-LED स्कीम। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये एक अटेम्प्ट है कि हम रेवोल्यूशनाइज कर पाएं किस तरीके से MPs एंगेज होते हैं और मैनेज करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फीचर्स की बात की जाए तो इसमें कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी, रियल टाइम एक्सेस मिलेगा MPs को टू प्रपोज, ट्रैक एंड ओवरसी प्रोजेक्ट्स, इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड इनेबलिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज टू इमर्जिंग नीड्स और इश्यूज। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के जरिए ट्रांसपेरेंसी आती है। और आगे बात की जाए तो इसमें जो है और भी ज़्यादा फीचर्स मौजूद है जिसमें शामिल है बजट मैनेजमेंट अलाउइंग MPs टू मॉनिटर एक्सपेंडिचर्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन केरला कैपिटल। रिसेंटली अभी आर्टिकल रीफ्स को जो है डिप्लॉय किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ 42 फिशिंग विलेजेस इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला, कमेंस्ड एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एम्ड एट इनहेंसिंग फिश रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट। लगभग 6300 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट विद डिजिग्नेटेड 150 फॉर ईच विलेज विल बी डिप्लॉयड। इट इंटेंड्स टू बूस्ट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और साथ ही साथ मैराइन लैंडस्केप को इम्प्रूव कर पाएँ और इन्हेंस कर पाएँ लाइवलीहुड को ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी। ये इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। आर्टिफिशियल रिफ्स की बात की जाए तो एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जो कि इंटेंशनली प्लेस किया जाता है ओशन फ्लोर पर ताकि वो मिमिक कर पाए ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को जो कि नेचुरल रिफ्स में होती हैं, और इनको जनरली बनाया जाता है फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉन्क्रीट, रॉक्स, संकन शिप्स जो कि हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैराइन लाइफ। प्राइमरी पर्पज़ इनको यही है
कि इन्हेंस कर पाए लोकल मैराइन इकोसिस्टम को, जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट किया जा सके, साथ ही साथ एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल सके, फीडिंग ग्राउंड मिल सके फिशेज को, और अल्टीमेटली सपोर्ट कर पाए सस्टेनेबल फिशरीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट आर्टिकल, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बैन कर दिया है माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन बाय ब्लास्टिंग और यूजिंग एक्सप्लोजिव विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द कंपाउंड वॉल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान। इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इस तरीके से जो काम है वो थ्रेट करता है फोर्ट के एग्जिस्टेंस को बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक मिनरल एक्सप्लोटेशन, और सीधे सीधे तौर पर डायरेक्ट किया है अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर्स। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात की जाए तो इसे चित्तौड़ फोर्ट भी कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये लोकेटेड है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और इस फोर्ट को बनवाया गया था बाय 7th सेंचुरी बाय वेरियस मौर्य रूलर्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कच्ची करेक। इस ये एक इंडिजिनस डेट है ऑफ कच्छ जो कि गुजरात का सेकेंड फ्रूट मिला है टू गेट GI टैग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेटेड टू स्टील स्लैग रोड। इंडिया का पहला नेशनल हाईवे यूजिंग स्टील स्लैग रोड बनाया गया है। NH 66 कनेक्टिंग मुंबई टू गोवा, उसे इनॉग्रेट किया गया है, जो कि हमारा बहुत ही सुंदर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है। स्टील स्लैग रोड की बात की जाए तो स्टील स्लैग क्या है? वो एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ स्टील मेकिंग, और इसे प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इन स्टील मेकिंग फर्नेसेस। स्टील स्लैग रोड जो है वो ऐसे रोड्स हैं जिनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय यूजिंग स्टील स्लैग, और जो डिस्कार्डिंग वेस्ट मटेरियल है उसको फेंकने की बजाय इस तरीके से हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्रोसेस्ड एंड यूज्ड एज एन एग्रीगेट इन रोड कंस्ट्रक्शन, और इसको अदर मटेरियल्स के साथ भी मिक्स किया जाता है ताकि एक ड्यूरेबल और सस्टेनेबल रोड सर्फेस बन पाए। इसे डेवलप किया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि अलाउ करता है लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट स्टील स्लैग फ्रॉम स्टील प्लांट्स इन रोड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये एक पार्ट है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव का। दूसरा, इंडिया की जो टेरेन है उसके लिए काफ़ी वेल सूटेड है। लगभग हमें कॉस्ट सेविंग देगा 30% की, और साथ ही साथ लगभग 3 टाइम्स इसका ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल रोड्स। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट है टू वेदर कंडीशंस, और इसका जो सक्सेस है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में देखा गया है इंक्लूडिंग इन सूरत, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑन नेशनल हाईवे NH 66। थैंक यू।